ये देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, आप एडमिनिस्ट्रेशन को, कॉन्स्टिट्यूशन को, कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्कीम है, आप ये नहीं बोल सकते नहीं नहीं पैसे बचाने का, पैसे बचाने तो फिर कल कोई उठ के बोलेगा पुलिस को बंद कर दो, आईपीएस को, कोई बोलेगा कोर्ट में इतना पेंडिंग है, कन्वीनियंस के ऊपर ये सब नहीं करेंगे ना। कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल्स के ऊपर चलेगा। तो बेसिकली नरेंद्र मोदी सिर्फ, क्योंकि बीजेपी की आइडियोलॉजी आरएसएस हमेशा ही रही है कि वो रीजनल पार्टीज को नहीं चाहते, इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन का एक एक, एक, एक मार रहे हैं तुग्गा। हम तो इसकी मुखालिफत किए हैं और मुखालिफत करेंगे, अपोज करेंगे। मैं सीधी सी बात कहता हूं कि, और लगातार इस बात को मेरी पार्टी कहती रही, इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन था भाई। मोदी जी कोई नायाब हीरा नहीं उठा के ला रहे हैं। 1962 के बाद वो माला क्यों टूटी? क्योंकि सिंगल पार्टी डोमिनेंस खत्म होने लगी। उसके बाद कई राज्यों में रीजनल पार्टीज ने, जैसे 67 में संविध सरकारें बनी। आज मैं पूछ रहा हूं कि मैं, मुझे मसौदा देखना है, क्योंकि ये टिप्पणी बगैर मसौदा देखे हो रही है। मसौदा देखूंगा। अब मान लीजिए चुनाव होता है, ए वन नेशन वन इलेक्शन, उत्तर प्रदेश में किसी की सरकार नहीं बनती है या बनी हुई सरकार गिर जाती है 10 दिन के अंदर, फिर क्या होगा? आप राष्ट्रपति शासन लगाओगे, राज्यपाल के माध्यम से अगले चुनाव तक व्यवस्था होगी या फिर चुनाव होगा? जैसे ही फिर चुनाव हुआ, ये माला टूट गई। और इस देश की प्राथमिकता, माफी के साथ कहता हूं, डाइग्रेशन में ये लोग माहिर लोग हैं कि कैसे मौलिक चीजों से ध्यान हटाया जाए। आज इस देश को रोजगार चाहिए, वन नेशन वन इलेक्शन रोजगार की करोड़ों संभावनाएं बना देगा। आइए, हम भी स्वागत करेंगे। कुल मिला करके ये सारी चीजें कोशिश होती हैं कि जो एक फेडरल कैरेक्टर है, जो एक संघ, हमारे भारतीय संघ की एक आत्मा रही है, उस विविधता को नष्ट करने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं। आप खत्म हो जाएंगे, विविधता बरकरार रहेगी। सर, प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा था कि 5 साल तक सिर्फ इलेक्शन ही होते रहते हैं और खर्चा भी बहुत आता है इनको। अभी तो 240 आया है ना, ये 5 साल वाली गारंटी नहीं है 240, इसके बारे में क्या कहते हैं प्रधानमंत्री जी? और प्रधानमंत्री जी, हमारी सबसे बड़ी चिंता है कि क्या चुनाव में भैंस मंगल सूत्र मुजरा चलेगा, टूटी काट लेगा, बिजली काट देगा? इस पर कोई लेके आइए ना बिल कि इस तरह की जुबान का इस्तेमाल ना हो, उसका इंतजार। देखिए, हमें ये लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का एक और नया जुमला है, और मैं बताता हूँ क्यों। थोड़े दिन पहले 4 राज्यों के चुनाव होने थे। 4 राज्यों के चुनाव में इन्होंने सिर्फ 2 राज्यों का चुनाव किया। इन्होंने हरियाणा का और जम्मू एंड कश्मीर का चुनाव कराया, झारखंड और महाराष्ट्र को छोड़ दिया। अगर आप 4 राज्यों के चुनाव नहीं करा पा रहे हो, आप वन नेशन वन इलेक्शन कैसे कराओगे? उसको भी छोड़ो, मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ कि हम मांग कर रहे हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड के साथ आप दिल्ली का चुनाव करा दो। ये उसमें भी सहमत नहीं है। तो जब आप एक साथ 3 राज्य के चुनाव कराने में असमर्थ हैं, एक साथ 4 राज्यों के चुनाव कराने में असमर्थ है, तो फिर ये कैसे संभव है कि आप पूरे देश में एक साथ चुनाव करेंगे? तो ये एक बहुत बड़ा जुमला है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपके माध्यम से देश के सामने रखना चाहूँगा। क्या होगा अगर बीच में कोई सरकार गिर जाती है? अगर 5 साल के कार्यकाल में 2.5 साल में कोई सरकार गिर जाती है, तो क्या 2.5 साल फिर राष्ट्रपति शासन लगेगा वहाँ पे? और 2.5 साल राष्ट्रपति शासन लगेगा तो क्या बीजेपी ये सोच रही है कि वो फिर राष्ट्रपति शासन के थ्रू अपनी मनमर्जी, एलजी के माध्यम से अपनी मनमर्जी चलाएंगे? एलजी के माध्यम से कई सारे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को और राज्यों को डिस्टेबलाइज करने का काम बीजेपी ऑलरेडी कर रही है। तो क्या ये इनका एक सिनिस्टर प्लान है कि ऐसे करके राज्यों को डिस्टेबलाइज किया जाए? मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का एक वैसा ही जुमला है जैसे किसानों के लिए कानून बिना किसानों से डिस्कस किए लेकर आए, डीमोनेटाइजेशन बिना एक्सपर्ट से डिस्कस किए लाए, जैसे कोरोना में ये थाली बजवाए, ये वैसे ही एक नया जुमला है। इसका कोई कुछ होना जाना नहीं, प्रैक्टिकल नहीं दिखता आज के समय से, और आज के संविधान की जो व्यवस्थाएं हैं उसके तहत ये प्रैक्टिकल है, संभव ही नहीं है। प्रैक्टिकल की बात ही नहीं है, ये संभव ही नहीं है। ये तभी संभव हो सकता है यदि आप संविधान में ऐसा संशोधन करें, एक कि जो 5 साल का कार्यकाल वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो गया 1 जनवरी 2025 से, मान लीजिए अब पूरे देश की विधानसभाओं का और देश की लोकसभा का इलेक्शन एक साथ होगा, 5 साल के लिए वो चलेंगी सरकार। 2 साल बाद सरकार गिर जाती है कहीं की, किसी राज्य की या केंद्र की सरकार 2 साल बाद गिर गई। आज संविधान का प्रावधान है कि सरकारें 5 साल के लिए चुनी जाएंगी।
2025 को चालू किया, दो साल बाद 2027 में केंद्र सरकार गिर गई या किसी राज्य की सरकार गिर गई और वो 5 साल के लिए चुनी जाएगी, तो उसका अगला इलेक्शन कब आएगा? 2032। बाकी जगह कब होंगे इलेक्शन? 2030। तो वन नेशन वन इलेक्शन का क्या होगा? संभव ही नहीं है। जब तक आप ऐसा प्रावधान संविधान में नहीं लाते कि गवर्नमेंट्स अगर गिरती हैं तो वो अब अगर चुन के आएंगी तो शेष 5 साल के समय के लिए ही चुन के आएंगी, या आप चुनाव ही नहीं कराओगे। ये निर्णय केवल एक गिमिक है, एक प्रपंच है। आसन्न हार दिखाई दे रही है उनको, जम्मू कश्मीर में भी, हरियाणा में भी बुरी तरीके से पिट रहे हैं, जहां उपचुनाव हो रहे हैं उनमें भी भाजपा को हार दिखाई दे रही है। और भाजपा को ये भी लग रहा है, मुझे जानकारी मिली है कि आरएसएस के शीर्ष चर्निंग कैंप में भी ये बात उभर के आई थी कि महाराष्ट्र और झारखंड भी हारने जा रहे हैं। आप तो सक्सेसिव एक के बाद एक राज्य में जो हार दिखाई दे रही है भाजपा को, उससे ध्यान हटाने के लिए और ये इस तरीके का प्रपंच रचा गया है। और ये दो हिसाब से भी, एक तो आज देश की राजनीतिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। ये पहले जब ऐसा हो चुनाव होते थे वो स्थिति आज नहीं है। आज कई जगहों मिली जुली सरकारें हैं, कई जगहों क्षेत्रीय दलों की सरकारें हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न मतों की सरकारें हैं, और उन सरकारों के अपने तरीके के एजेंडाज हैं। उसी में हमारे देश एक विविधतापूर्ण देश भी है। उस देश में आप बदले हुए हिंदुस्तान के ऊपर इस तरीके के आइडिया को नहीं थोप सकते हो। दूसरा कारण जो है, इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी, कई संविधान संशोधन करने पड़ेंगे, और इनके पास न लोकसभा में अपने दम पर ये पास करवा सकते हैं, न राज्यसभा में करवा सकते हैं। तो इनको इनको दो में से एक स्थिति, इनको ये लग रहा था कि एक के बाद एक राज्यों में यदि हम चुनाव हार जाएंगे तो हमारी जो कोलिशन गवर्नमेंट है भरभरा करके गिर जाएगी, इसलिए ये इस तरीके का प्रपंच रचा गया है। और ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है, ये देश के संघीय ढांचे के हित में नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने से पहले सभी विपक्षी पार्टियों को और सभी प्रदेश के मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्रियों की एक बैठक आहूत होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी देश की तीसरी बड़ी पार्टी है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी और सभी विपक्षी दलों के नेताओं की सहमति से इस पर आगे कार्रवाइयां होनी चाहिए। हम लोग वैसे चाहते हैं कि देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ में हों। भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों से केंद्र की सरकार में है और बार बार ये कह रही है, लेकिन उसकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। अगर वो सच्चे मन से ये चाहते हैं कि देश में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ हों, तो सभी विपक्षी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा में दलों के नेताओं की एक सर्वदलीय बैठक बुलाने का काम करें।